चट्टानों को काट काट के गुफाएं बनाई गई थी, जो पिलर्स बनाए गए थे उनपे हॉर्स, बुल, लॉयन, एलिफेंट इन सब के भी मूवमेंट करते हुए वो कर्व किया गया था, यानी उत्कीर्ण किए गए थे, उसको खोद खोद के उसके ऊपर डेकोरेशन किया गया था इन सबको बना के। तो हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉन्यूमेंटल रॉक कट एलिफेंट एट डॉट इन उड़ीसा शोज मॉडलिंग इन राउंड विद माइनर रिदम इट आल्सो हैज अशोक का रॉक एडिट। यानी कि एक बड़ी चट्टान को काट के किसका चित्र बनाया गया, किसकी मूर्ति बनाई गई है, एक हाथी की चित्र बनाई गई है जो कि हमें ओडिशा के भुवली में मिला था। ये भी किसके समय में बनाया गया है, अशोक के समय में रॉक को काट के उसकी कटाई छटाई करके ये सब किया गया था। यानी कि एक विशाल हाथी की आकृति बनाई गई थी बड़े सारी चट्टानों को काट के। और इसमें लाइनर रिदम यानी कि लय जो इसमें रेखांकन की जो लय है वो लयबद्धता का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके चैप्टर इसमें मॉडर्न के समय में एक लोमश ऋषि की गुफा भी बहुत ही फेमस है जो कि बिहार में बाराबार की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा है। शैलकृत यानी एक बहुत बड़ी गुफा है, इसको जो बाराबार पहाड़ियां हैं उसमें पहाड़ी को काट के एक गुफा बनाई गई है जिसे कहते हैं लोमश ऋषि की गुफा। इसके बारे में दिया गया था फेसेस ऑफ द केव इज डेकोरेटेड विद द सेमी सर्कुलर चेत्या आर्च एज द एंट्रेंस। यानी कि इसका जो एंट्रेंस है इस केव का, ये गुफा का जो एंट्रेंस है, घुसने का जो दरवाजा है, इस गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो अर्ध वृत्ताकार यानी कि सेमी सर्कुलर आधा आधा ही वृत्त उस शेप में बना हुआ है और इसका जो मेहराब की तरह सजा हुआ है सर्कुलर सेमी सर्कुलर शेप में। यानी कि ये हमारा सर्कल होता है लेकिन ये सर्कल ना होके सेमी सर्कल ही है आधा, इस तरह से इसका जो एंट्रेंस है और यहाँ पे इसको बहुत ही डेकोरेट किया गया है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी को भी उकेरा गया है, उसकी प्रतिमा उकेरी गई है। यानी कि ये जो हमारा एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे यहाँ पे हाथी का चित्र बना हुआ है, उस पे उत्कीर्ण किया गया है। ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्तूपास एंड विहार्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि इस समय जैन और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ गई थी और इसी के कारण बहुत ज्यादा स्तूपों और विहारों का निर्माण किया जाने लगा। किसके काल में, मौर्य के काल में, और जो राजा था अशोक उनके द्वारा ये बनवाए जाते थे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ओवर द रेलिक ऑफ द बुद्धा एट राजगृह वैशाली, राजगृह वैशाली वेदद्वीप एंड पावा इन बिहार। और जो कपिल वस्तु अलकप्पा एंड रामगृह इन नेपाल, कुशीनगर एंड पिथलीवान इन यूपी। हमको ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि जो स्तूपों का निर्माण करवाया गया था रेलिक, रेलिक का मतलब होता है कि जो बुद्ध के अवशेष, जहां जहां पे बुद्ध के अवशेष मिलते हैं वहां पे किसका निर्माण किया जाता है, स्तूप का निर्माण। तो जहां बुद्ध के अवशेष मिले हैं वहां पे बुद्ध के वो स्तूप का निर्माण किया गया था, जैसे कि जो राजगृह है राजगृह में, वैशाली में, वेदद्वीप में, पावा जो कि है बिहार में, इन सब जगह बुद्ध के अवशेष मिले थे और अवशेष में मिलने के कारण वहां पे स्तूप का निर्माण किया गया था। कपिल वस्तु अलकप्पा एंड रामगृह इन नेपाल, नेपाल में इन जगह पे स्तूपों का निर्माण किया गया और यूपी में कुशीनगर और पिथलीवान इन जगह पे स्तूपों का निर्माण किया गया है क्योंकि यहाँ पे हमें बुद्ध के अवशेष, उस समय बुद्ध के अवशेष मिले
दान दाताओं